हेलो एवरीवन, आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे सीटी का रिजल्ट, यानी आपका सीटी का रिजल्ट अपडेट हो चुका है, साइट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा। यदि आपने रिजल्ट नहीं देख पाते हैं तो इसकी वेबसाइट हम कैसे खोलेंगे, तो गाइज इस वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। यदि इससे पहले वाली वीडियो मैंने 2-4 दिन पहले भी बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट हम कैसे चेक कर सकते हैं सीटी का रिजल्ट। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ आपको रिजल्ट देखकर दिखा यहाँ पर चेकआउट करके दिखाऊंगा कि HSC का सीट का रिजल्ट अपडेट हो चुका है और उसमें कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के नंबर भी आपको बढ़ा दिए गए हैं। लगभग सभी कैंडिडेट को क्वालिफाई कर दिया गया है। इसमें सीटी का रिजल्ट, हरियाणा का रिजल्ट अपडेट हो चुका है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। किसके लिंक के बारे में, यदि उस लिंक को दबा के आप ओपन करेंगे तो सीधा डायरेक्ट आपका वहीं पे ऑप्शन वेबसाइट ओपन होगी जहां से मैं आपको बता रहा हूं उसमें रिजल्ट के बारे में। सिर्फ आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, वहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ कैप्चा फिल करके आपको रिजल्ट देख लेना है। तो गाइज मैं आपको गूगल के वहाँ से होम पेज से CET के रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके फिर मैं आपको वहाँ से दिखा देता हूँ। ठीक है, यदि गूगल से भी खोलना चाहें तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ शॉर्ट में। तो गाइज आपको गूगल का होम पेज भी यहाँ पर खोल लेना है। यहाँ पर आपको लिख लेना होगा HSSRECRUIT। ठीक है, यहाँ पर लिख दें recruitment.samarth SAMARTH। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर 22 भी लिख देंगे, यहाँ पर शॉर्टकट में आपको लिख कर दिखा देता हूँ। राइज यहाँ पर इस तरह से लिखने के बाद में तो गाइज इसके साइट ओपन हो जाएगी। HSSC मैंने यहाँ पर सॉरी नहीं लिखा, यहाँ पर थोड़ा सा HSSC यहाँ पर लिख देता हूँ। और यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला टैग है इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ये जो ये साइट आपके सामने ओपन हो गई है, ठीक है, यहाँ से लिंक देखने को मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो डायरेक्ट आपका वहीं पे साइट ओपन होगी जहाँ से मैं आपको गूगल के होम पेज से दिखा रहा हूँ लाइव के प्रूफ के साथ। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ओपन होगी आपकी CET के रिजल्ट के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है गाइज यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या कर लेना है, आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर फिल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है यहाँ से। ठीक है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है इस फॉर्म में फिल की थी वो ये कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पर, ठीक है, तो गाइज मैं यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करके आपको कैप्चा फिल करके लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यदि आपको यहाँ से कुछ देखना है जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन नंबर से रिलेटेड, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो वो फॉरगोट कैसे करेंगे, ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, मैं आपको फिर से उसके फॉरगोट से रिलेटेड बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके फॉरगोट के रिलेटेड मैं आपको बताऊँ, उसमें जैसे हम होम पेज पर चले जाएँगे वापस इसके होम पेज पर। ठीक है, यहाँ पर हमको लिखना होगा CET HSC, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे उस साइट को। ठीक है, हरियाणा के जो हरियाणा रिक्रूटमेंट पोर्टल है वन टाइम रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, यहाँ पर ये जो साइट है यहाँ से। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे ओपन करूँगा आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, ये वाली साइट। ठीक है, इस साइट का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ये कैप्चा डालेंगे, फिर यहाँ से हम सबमिट कर देंगे, OTP आ जाएगा आपके पास। OTP आने के बाद में इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, वहाँ पर जैसे ओपन करेंगे अब तो आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, वो देखने के बाद में अपना एप्लीकेशन नंबर नोट करें, फिर वापस आपको उसी वेबसाइट पे ओपन चले जाना है। फिर से साइट में वैसी साइट को ओपन करूँ यहाँ से HSSRECRUIT। ठीक है, जो फर्स्ट वाला टैग आ गया हमारे सामने, ठीक है, इसी वेबसाइट को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं गाइज। ठीक है, वीडियो लॉन्ग हो सकते हैं, बिल्कुल घबराने जरूरत नहीं है, मैं आपको कंप्लीट बात बताऊँगा। इसमें आपके नॉर्मलाइजेशन नंबर के बढ़ा दिए गए हैं सभी स्टूडेंट के, यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ फिल करके लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, किन किन के लगभग सभी स्टूडेंट को यहाँ पर पास भी कर दिया गया है। तो गाइज मैंने कैप्चा फिल कर दिया, अपनी डेट ऑफ बर्थ वो थी वो जो मैंने कंप्लीट कर दिया यहाँ पर फिल कर दी है, फिर यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, डाउनलोड प्रिंट स्कोर कार्ड। ठीक है, ये साइट आपको इस तरह से देखने को मिल जाती है यहाँ से कंप्लीट। यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, इस डाउनलोड वाला ऑप्शन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस वेबसाइट पोर्टल को आपको यहाँ पर टैप कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर टैप करेंगे तो आपके फर्स्ट यदि मोबाइल में डाउनलोड करेंगे तो आपको जैसे यहाँ पर कराएंगे उसके बाद में आपको डाउनलोड का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा ये साइट वहाँ पर इस तरह से। ठीक है, ये फिर से आपको यहाँ पर क्या करेंगे, फिर मैं इसको यहाँ पर बैक कर देता हूँ, फिर आपको दोबारा से फिर डाउनलोड पर दबाना है।
ठीक है, इस तरह का आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। यानी आपका डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पर टैप कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम टैप करेंगे, उसके बाद में हमारा प्रिंट डाउनलोड यहाँ पर चला जाएगा, जहाँ से हमारी डाउनलोड फाइल हो चुकी है अपने फोल्डर में, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधा टैप कर लेंगे, फिर हमें ओपन कर लेना है पीडीएफ फाइल में। यदि आपके मोबाइल में पीडीएफ का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको ओपन करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके एंड्रॉयड फ़ोन में लगभग सभी के में पीडीएफ फाइल का ऑप्शन मिल जाता है, नहीं भी है तो आपको इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाके, ठीक है। मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ गाइज। जैसे ओपन करूँगा आपने गूगल प्ले पीडीएफ फाइल को, ठीक है, ये पासवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको लॉगिन पर कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे लॉगिन करूँगा यहाँ से, कुछ एक डाटा मैंने यहाँ पर छुपा दिया अपना, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ एक डाटा नहीं देख सकता, आपको यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम भी देखने को मिल जाएगा, आपने जो कैटेगरी से फॉर्म फिल किया था वो कैटेगरी देखने को मिल जाएगी, आपकी मोबाइल नंबर भी, ठीक है। आपने कौन सी एग्ज़ाम को अपने डेट दिया था, कौन सी पारी में हुआ था, वो भी यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल रही है। तो गाइज यहाँ पर सीटी के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 95 मार्क का आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, कंप्लीट। यहाँ पर जो आपके नॉर्मल से नंबर मिले हैं वो यहाँ पर आपको कंप्लीट कितने नंबर मिले हैं वो देख सकते हैं, और आपको जो प्रोविजनल मार्क्स मिले हैं सोशियो इकोनॉमिक के, यहाँ पर देखने को मिल जाएगी सेकेंड नंबर लाइन से रिलेटेड आपके 5 नंबर यहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं लगभग, ठीक है। यदि आपका नो गवर्नमेंट जॉब से फैमिली आई डी में आपके 1,80,000 से कम है तो उनके भी 5 नंबर यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। यदि आप विडो यहाँ पर फादरलेस हैं तो उनके भी यहाँ पर नंबर जुड़ जाते, नहीं है तो वहाँ पर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से आपके जो सोशो के इकोनॉमिक्स के अनुसार यहाँ पर टोटल कितने नंबर मिले, आपके 5 नंबर मिले, और हमने टोटल नंबर कितना लिया 40, प्लस कितना हुआ 5, ये 45 यहाँ पर देख पाएंगे सी टी स्कोर कार्ड के अनुसार 1+2 फिगर और वर्ड में यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। यहाँ पर टोटल इनकम के, तो यहाँ पर क्या लिखा मिलेगा आपको, क्वालिफाइड, यहाँ पर लिखा मिला है तो बिल्कुल आप पास हो चुके हैं, नहीं तो नॉट क्वालिफाइड मिलेगा आपको देखने मिले। यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं, डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पर सेक्टर के साइन भी लिखे मिल जाएंगे आपको, इस तरह से देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी कट ऑफ के बाद में बात करें 47.50 है, ठीक है। यहाँ पर अदर की यहाँ पर 50% अभाव है। रिजर्व कैटेगरी की बात कर सकते हैं, यहाँ पर 38+ यानी 38% आपके हैं और 45 तक है आपकी, तो आप क्वालिफाई हो चुके हैं नॉर्मलाइजेशन के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी देखने को मिल जाती है गाइज, यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने मिल जाएंगे आपको, आईपी एड्रेस को चेक देखने मिल जाएगी, डेट भी देखने को मिल जाएगी यहाँ से। तो गाइज इस वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी यहाँ पर हमें कमेंट करें, वीडियो से लेकर लाइक करें, शेयर करें। किन किन का आपका पास हो गया है तो मुझे कमेंट कर बताएं, ठीक है। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊँगा कितने लगभग कट ऑफ के कितने पास हो गए स्टूडेंट, ठीक है।